गुल्लक वक्त की फितरत की एक अनमोल कड़ी है और इनमें सबसे कामिल मंजर रंगों का है। हम हर चीज पिरो लेना चाहते हैं, अपना दामन रंगीन कर लेना चाहते हैं। वक्त एक ऐसी चीज है जो सब चीजों की परख महसूस करा जाती है। गुजरात के साहिलों पे बसा एक ऐसा अनजान जमीन का टुकड़ा न जाने कैसे लकड़हार बंजारों का हो गया। वो रूखी बंजर जमीन की टुकड़ी एक अलग ही विरासत को पूरा करने में लगी हुई थी। ऐसी खामोशी की डिब्बी में बंद ये ना जाने एक अनोखे दस्तूर का आगाज कर रही थी। नेरोना के 40 घरों की पूंजी में जहां कोयले की खदान, खेती बाड़ी आजकल लोगों की आग्रह है, वहीं हमारे एक जयंती भाई का घर है जिन्होंने बरसों से लाख के काम को जारी रखा है। कम से कम 500 साल हुआ है नेरोना गांव को, ये गांव हमारा ही है। जयंती भाई की अपनी एक अद्भुत अलग ही कहानी है। उनका कहना है लाख के काम को कभी उन्होंने सीखा नहीं, ये बस उनके पिताजी की मेहनत थी जो उन्हें लाख की तरफ आकर्षित करती थी। परिवार में यहाँ पे हम 22 लोग हैं, 2 मेरे जीजू जी और 4 हम भाई, हम सब साथ में रहते हैं। काम हम 4 ही लोग करते हैं, 4 भाई हम लोग। तो सोचा भी नहीं है कि हम ये काम छोड़ के और दूसरा काम करें, इसलिए तो हमने कभी सोचा नहीं। काम करते थे, कभी कोयला बना दे और कोई दूसरा लोग बना दे, लेकिन हम नहीं करते। हमारे तो बुरम्बा मैं जी जन्मा हूँ ना, तब यही काम कर रहा हूँ। इनकी मेहनत का पन्ना कुछ अलग ही रंग दर्शाता है। साल भर में 8 महीने ये लाख के काम में मगजूल रहते हैं। 2001 में भूकंप धरतीकंप आया था ना, तब ये सब घर गिर गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बना दिया। सन 2001 में जब भूकंप के खौफ ने इन्हें मायूस करने की कोशिश की, हमारे भारत सरकार की मदद से आज भी लोगों की जिंदगी में ये रंग बौछार करते हैं। लाख की हस्ती हमारे वैक्या भाइयों जितनी पुरानी है। जंगल के आश्रय से निकलकर भारतवर्ष में अपनी पहचान को दर्शाना कुछ ऐसे हमारे भाइयों की कला की यात्रा। जब ये हो जाए, इसे भारत के बड़े बड़े शहरों में पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने सर लिए रहते हैं। 8 महीने के लिए काम करते और 4 महीना काम करने के लिए वहां जाते, दिल्ली मुंबई जो लेटर था ना गवर्नमेंट का, वहां बेचने जाते। लाख का काम कहीं नहीं होगा, इसी से पेक की काम होता है नेरोना में। लाख में रंग की निदर आवेदन ही इनके निर्भीक आकर्षण की पहचान है, जिस असली उपयोगिता खजूर, बबूल और बेर की लकड़ियों से आती है। वो स्थातिक लकीर की चित्रकारी आंखों में मिठास का काम करती है। एक कलाकारी जो सिर्फ लकड़ी की चमक से आए और चंद सामग्री के इस्तेमाल से अनेक उत्पादनों का जरिया बने, वो बेशक दावीय कहलाने लायक है। ये सदियों से चली आ रही अप्रचलित आकृति की कला, ये हमारे आज के उपयोगिक वस्तुओं को एड़ी चोटी की मात दे जाती है। लाख कला ऐसी है जो किसी भी इंसान में अलग ही जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है। लाख की मांग हमारे भारत की बड़ी शहरों से लेकर दुनिया के कई कोनों में प्रचलित हुई। हमारे कलाकार भाइयों को कभी लाख की मांग से कोई परेशानी हुई नहीं। जो आज की इनकी मेहनत की कड़ी को दुनिया के सामने आने से रोकती है, वही स्थायी रूप में बाजार में हिस्सा।
कई संस्थानों ने इस कला को प्रवाहित करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। हमारे वेख्या भाइयों की भारतवासियों से एक दरख्वास्त है। एक आज का दौर जहां विपणन और विज्ञापन अपने चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, वहां वो हमसे यही आस लगाए हुए हैं कि उनकी हाथों की खरत कभी बंद न पड़े। ए हाली हाली वागड़नी वाटे सिंध मुने साबरे हे नती नती रे गाड़ी नू टिकट भारो सिंध मुने साबरी।